दोस्तों, शायद ही कोई भारतीय बच्चा होगा जिसने चंदा मामा की कहानियां बचपन में न सुनी हो। लेकिन चंदा मामा की कहानियां जो हम बचपन में सुनते आए हैं, तो उन्हें सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर ये चंद्रमा हमारा मामा कैसे है। धरती जिसे हम मां कहते हैं, तो चंद्रमा को मामा कैसे कहते हैं? क्या इनके बीच कोई गहरा संबंध है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि वैज्ञानिकों का पक्का विश्वास है कि पृथ्वी से टूटकर ही चंद्रमा का निर्माण हुआ है। यानी पृथ्वी और चंद्रमा एक ही चीज के बने हुए हैं, यानी दोनों में गहरा संबंध है, और इसलिए हमारे पूर्वज चंद्रमा को चंदा मामा कहते आए हैं। हमारी पाठ्य पुस्तकों में बताया गया कि ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले आकाश पिंडों को उपग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसे हम रोज आकाश में देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत से उपग्रह बनाकर अंतरिक्ष में भेजे हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। भारत के वैज्ञानिकों ने भी बहुत से उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। भारत के पहले उपग्रह का नाम भारत के प्राचीन वैज्ञानिक आर्यभट्ट नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। ज्यादातर लोगों का कहना है कि चंद्रमा गोल है, लेकिन ये सच नहीं है। चंद्रमा का आकार अंडे के आकार जैसा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और यह सौरमंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति के उपग्रह के बाद चंद्रमा दूसरे सबसे घने घनत्व वाला उपग्रह है। चंद्रमा 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच हुए भीषण टकराव के बाद बचे हुए अवशेषों के मलबे से बना था। आपको यह भी बता दें कि चंद्रमा का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है, और पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा का मध्य तक की दूरी 384,403 किलोमीटर है। वहीं अगर धरती से चांद गायब हो जाए, तो पृथ्वी पर दिन महज 6 घंटे का रह जाएगा। और यदि ऐसा हुआ, तो इसे धरती पर रह रहे लोगों का क्या होगा, इसका अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। चांद का व्यास धरती के व्यास का सिर्फ चौथा हिस्सा है, और लगभग 49 चांद धरती में समा सकते हैं। आपको पता है कि अंतरिक्ष में अब तक सिर्फ मानव ही चंद्रमा पर कदम रख सका है। जी हाँ, मानव ही एक ऐसा जीव है जो चांद तक पहुंचा है, और सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखने वाले मानव नील आर्मस्ट्रांग थे। और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के तौर पर ठीक 50 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने पर जो निशान वहां बने थे, वो आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं, और अगले कई सालों तक वहां पर ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, और चांद पर हवा ना होने के कारण वो निशान मिट नहीं सकते। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसे चंद्रमा की चंद्रकलाओं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, और यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के कारण हमें दिखाई देता है। इसलिए जब चंद्रमा पृथ्वी के सूर्य के बीच होता है, तब उसकी धरती की ओर वाले भूभाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, अतः उस रात को अमावस्या रात कहते हैं, और चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। इसके बाद जब चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ता है, तो उसका कुछ भाग सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होने के कारण दिखाई देने लगता है। प्रतिदिन यह प्रकाशित बढ़ता जाता है, और पूर्णिमा की रात चंद्रमा का सूर्य से प्रकाशित पूरा गोला हमें दिखाई देता है। इसके बाद फिर से सूर्य से प्रकाशित भाग का दिखाई देना कम होने लगता है। इसे ही चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ध्यान से देखो तो पता चलता है कि हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा अपनी धुरी पर नहीं घूमता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ बंध गया है। इसे ट्राइडल लॉकिंग ऑफ मून कहते हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा अपनी धुरी पर उतने ही समय में घूमता है, जितने समय में वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ऐसा माना जाता है कि महासागर के प्रवाह के लिए यह उतार चढ़ाव होना बहुत अहम है। उसी तरह से अलग अलग मौसम के लिए यह प्रवाह बहुत आवश्यक है। चंद्रमा का एक खास उद्देश्य है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी की दूरी और उसकी कक्षा में 23.5 डिग्री के कोण पर लगातार झुकाए रखना। पृथ्वी की विज्ञान की पत्रिका कुदरत के मुताबिक अगर चंद्रमा नहीं होता, तो लंबे समय के दौरान पृथ्वी की धुरी का झुकाव लगभग 0 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक बदल जाता। जरा सोच कर देखिए कि अगर पृथ्वी की धुरी सीधी होती तो क्या होता। एक तो हम अलग अलग मौसमों का आनंद नहीं ले पाते, और दूसरा हम बरसात की वजह से हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता। इसके अतिरिक्त हद से ज्यादा गर्मियां
ठंड पड़ने से हमारी जीवित रहने की संभावनाएं कम हो जाती। हर साल निश्चित समय पर जो मौसम आते हैं उसके पीछे एक बहुत ही अनोखी वजह होती है और वह हमारे चंद्रमा की मौजूदगी है। पृथ्वी की धुरी के झुकाव को बनाए रखने की अपनी भूमिका को निभाने के लिए हमारा चंद्रमा दूसरे बड़े बड़े ग्रहों के चंद्रमाओं की अपेक्षा बहुत बड़ा है। इसके अतिरिक्त बहुत सी धार्मिक किताबों में भी चांद के बारे में कहा गया है और हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू पौराणिक कथाओं में तो चंद्रमा को चंद्रदेव कहा गया है। इसके अलावा चंद्रमा पर अनमोल खजाना मौजूद है। यह कोई हीरे मोती या सोने चांदी का नहीं बल्कि बेशकीमती केमिकल है। धरती पर तेजी से खत्म होते ऊर्जा संसाधनों को देखते हुए भारत चंद्रमा की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। चंद्रमा पर मिलने वाली हीलियम 3 के उदाहरण से ही समझ लीजिए, यह केमिकल पृथ्वी पर तो नहीं है लेकिन चंद्रमा पर ही है, भरपूर मात्रा में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको चांद से जुड़े रहस्य पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।